आज इस वीडियो में जिस मंदिर को दिखाने वाले हैं वह मंदिर 400 से 500 साल पुराना मंदिर है। जो भी इस मंदिर को देखता है वह देखते ही रह जाता है। दोस्तों आप लोग ब्लॉग पर बने रहे इन तक, इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं। धन्यवाद। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग काफ़ी बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, मैं हूँ इस समय वाराणसी में स्थित रामनगर के पास में पड़ता है रामबाग। जी हाँ दोस्तों, और मेरे पीछे देख सकते हैं ये है दुर्गा मंदिर, यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और यहीं पर हम लोग आए हैं घूमने के लिए दोस्तों, और लगभग हम लोग 2 किलोमीटर पैदल चले हैं रामनगर किला से, उसके बाद से यहाँ पे आए हैं। एक बाबा जी थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे घूमने वाला जगह है, आप लोग जाइए उस जगह को भी कवर करिए। तो यहीं पे आए हैं दोस्तों, और मेरे पीछे देख सकते हैं ये है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा पोखरा है, और ठीक पोखरे के सामने आपको मंदिर दिखाई दे रहा है जो कि दुर्गा मंदिर है। और अभी आप जो जगह देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर 9 तारीख से घुमा के दिखावा ना मर्दे। अरे भाई देखा था नहीं, तू लोग बता रहा थोड़ी नहीं है। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पे 9 तारीख से 9 सितंबर से यहाँ पे मेला शुरू होने वाला है, रामलीला भी होगा। और देख सकते हैं दोस्तों, अभी साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है, और ये मेन रोड दोस्तों देख सकते हैं, ये चला जाएगा आपका रामनगर की तरफ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और आपको दिखाते हैं दुर्गा मंदिर का सीन। और अभी अभी पता चला है कि 3 बजे मंदिर खुलेगा, और यहाँ पर एक कुआँ भी है, उसको भी दिखा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और आपको मंदिर का दर्शन कराते हैं और आपको पोखरा दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पे रामबाग यही है, किला भी है यहाँ पे। और दोस्तों काफ़ी तेज़ धूप है, अभी बारिश भी आया है जस्ट, फिर धूप तेज़ हो गया है। चलिए चलते हैं दोस्तों, दिखाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एक कुआँ है, काफ़ी पुराना कुआँ है, और रामबाग है दोस्तों। ये सामने गेट है रामबाग के अंदर जाने के लिए, लेकिन अभी गेट बंद था तो हम लोग अंदर नहीं गए हैं। बाकी हम लोग आए थे मेन जो मंदिर था वहाँ पे दर्शन करने के लिए और घूमने के लिए। और अभी ये जो जगह देख रहे हैं, यहाँ पे रामलीला कार्यक्रम होगा जो कि 9 तारीख से शुरू होगा, 9 सितंबर से शुरू होगा, और पूरे 1 महीने तक यह मेला लगेगा। और देख सकते हैं सामने है मंदिर, काफ़ी पुराना प्राचीन मंदिर है दोस्तों यहाँ। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रहा पोखरा, और पोखरा की अभी साफ सफाई चल रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मेला भी लगेगा पूरे 1 महीने तक। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे नहा भी रहे हैं। ये यहाँ का सीढ़ी नीचे उतरने वाला, नीचे उतरने के लिए। और काफ़ी सारे बच्चे भी नहा रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं पोखरा को साफ किया जा रहा है, और इस पोखरे में दोस्तों काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियां भी हैं। और गोविंद भैया, आपको कैसा लग रहा है? एकदम मस्त मस्त, बहुत जबरदस्त जगह है, बहुत बढ़िया जगह है यहाँ तो, बहुत बड़ा है। हाँ मछली भी सब बता रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी, बड़ी, बड़ी मछलियाँ हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए सफाई का काम हो रहा है अभी। हाँ ये देखिए। तो दोस्तों मेरे पीछे के साइड में देख सकते हैं, ये है पोखरा दुर्गा मंदिर का, और काफ़ी बड़ा पोखरा है, भव्य पोखरा है। और यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे नहा भी रहे हैं, और बता रहे थे अंकल जी कि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ भी हैं। तो अभी आप देख सकते हैं आप लोग, आइए आपको नीचे से कुछ दृश्य दिखाते हैं, देख सकते हैं आप लोग। नहीं आइए, कौन ऊपर थे? तो दोस्तों देख सकते हैं ये रहा मंदिर का सीन। अंकल जी मंदिर कितने बजे खुलता है? 3 बजे खुलता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, अच्छा जो राम बाग है उसके अंदर जाने दिया जाता है? गेट आगे से है, टिकट भी लगता है? गेट आगे से। अच्छा अच्छा, बहुत ही बड़ा पोखरा है दोस्तों। चलिए बकरी, ये बच्चा को देखिए इसी पे चढ़ा है ऐसा, ये देखिए। चलिए आइए, ये बत्तख है। ये हाईवे का,
बच्चे नहा रहे हैं। अरे अरे क्यों गए के पछड़ा चलिए भाई साहब चलिए चलते हैं। यहाँ पे लोग आते हैं शाम के समय मछलियों को भूजा खिलाते हैं और इन्जॉय करते हैं। भाई साहब आ चुके हैं मंदिर के पास और देख सकते हैं आप लोग दोस्तों यहाँ पे फूल माला प्रसाद की दुकानें हैं देख सकते हैं आप लोग। यहाँ से आप लोग प्रसाद ले सकते हैं और ये है मंदिर कुछ सूचना लिखा गया है। ये है मंदिर मंदिर का मेन गेट देख सकते हैं। ये रहा मंदिर का मेन गेट और दोस्तों ये मंदिर भोर में 4 बजे से भोर में खुल जाता है और 12 बजे के बाद से बंद हो जाता है। फिर शाम को 3 बजे खुलता है और फिर रात्रि 8 बजे बंद हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा मंदिर का मेन गेट और अभी अभी जस्ट मंदिर खुला है तो चलिए चलते हैं और आपको अंदर दर्शन कराते हैं और आपको मंदिर का सीन दिखाते हैं। तो आप लोग वीडियो प्लास तक बने रहिएगा। यहाँ आसपास में आपको प्रसाद की दुकानें भी नज़र आ जाएंगी और आपको मैंने पोखरा दिखाई दिया है तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे प्रसाद की दुकानें भी हैं। यहाँ से आप लोग दर्शन के समय प्रसाद ले सकते हैं आप लोग। और यह मंदिर काफ़ी भव्य मंदिर है दोस्तों। यहाँ पे मेला भी लगता है दोस्तों और रामलीला भी होता है जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। तो दोस्तों ये राम मंदिर चलिए मंदिर खुल गया ना आइए। तो देख सकते हैं मंदिर खुल चुका है और ये रहा मंदिर। तो हम लोग फाइनली आ चुके हैं मंदिर के अंदर और देख सकते हैं दोस्तों ये रहा यहाँ फूल वगैरह भी मिल जाएगा। और दोस्तों मंदिर के अंदर फ़ोटो अलाउ नहीं है तो मैं आपको जो भी चीज़ होगा उस चीज़ को हम कवर करेंगे। और अभी बारिश वगैरह हुआ है तो अभी पानी वगैरह लगा है इधर देख सकते हैं दोस्तों। यह लगभग 400 साल पुराना मंदिर है। जी हाँ दोस्तों यहाँ पे जो एक भाई साहब थे वो बता रहे थे और यहाँ पे एक और अंकल थे वो बता रहे थे। बाकी आइए यहाँ का दृश्य दिखाते हैं। तो ये रहा सीढ़ी मंदिर के ऊपर जाने के लिए और चलिए चलते हैं दर्शन करते हैं। देख सकते हैं गाइस दोस्तों यह दुर्गा मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना और प्राचीन है। दोस्तों दुर्गा मंदिर बनारस रामनगर में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इसे 500 साल पुराना पहले बनवाया गया था जो वर्तमान में बनारस राज्य के शाही परिवार के नियंत्रण में है। यह मंदिर हिंदू देवता दुर्गा को समर्पित है। मंदिर के साथ एक बड़ा पत्थर से बना तालाब है। दुर्गा मंदिर अपने बेहतरीन पत्थर के कामों का दावा करता है जो उत्तर भारतीय पत्थर की कला शानदार उदाहरण है। दोस्तों इसकी बनावट दोस्तों खजुराहो मंदिर की शैली से बनाया गया है। साथ ही दोस्तों इस मंदिर पे मूर्तियों की निकासी की गई है। और साथ ही दोस्तों मैं बता दूं यह मंदिर काफ़ी भव्य और बड़ा मंदिर है। देख सकते हैं दोस्तों जो भी इस मंदिर को देखता है वह देखते ही रह जाता है। इस मंदिर पर काफ़ी सारे देवी देवताओं की निकासी की गई है। लोग बताते हैं कि जिस कारीगर ने इस मंदिर को बनाया था उसके हाथ कटवा दिए गए थे ताकि इस तरह का मंदिर कोई दूसरा न बना सके। हमें तो मालूम नहीं क्योंकि कुछ लोगों ने हमें बताया इस मंदिर के अंदर एक पत्थर पर कटा हुआ निशान भी बना है। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। फिर मैं कभी इस मंदिर के बारे में पूरा इतिहास में बताऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार।